दिलवाले नाम सुनने के बाद आपके जहन में भी दो फिल्में आने लग जाती हैं जी हाँ दोस्तों एक मूवी थी साल उन्नीस सौ चौरानवे के अंदर रिलीज हुई दिलवाले जिसके अंदर अजय देवगन और सुनील शेट्टी और अवीना टंडन की बेहतरीन अदाकारी करते हुए और सुनील शेट्टी और अजय देवगन की बेहतरीन दोस्ती की मिसाल बनती हुई यह मूवी दर्शकों का काफ़ी दिल जीतते हुए नज़र आई साथ ही मूवी के गाने ऑल टाइम सुपरहिट रहे और इन दिनों भी मूवी की तारीफ की जाती है जब रोहित सेट्टी ने शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस बनाई जो कि साल दो के अंदर रिलीज़ हुई थी उसकी अपार सफलता के बाद रोहित शेट्टी फिर से एक रोमांटिक लव एक्शन कॉमेडी सारे मसालों को डालकर एक ऐसी मूवी बनाना चाहते थे जैसा कि उसने चेन्नई एक्सप्रेस बनाई थी हालांकि चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर उतना कुछ एक्शन था नहीं उतना कुछ कहानी के अंदर था नहीं मूवी एक तरफ सफ़र की मूवी थी जो कि दर्शकों को खूब पसंद आई थी उसकी सफलता के बाद रोहित शेट्टी ने फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने का फैसला लिया और जब उसने अनाउंसमेंट की कि वो शाहरुख खान के साथ दिलवाले मूवी बना रहे हैं तो जब मूवी का टाइटल सुनाई दिया तो दर्शकों के बीच में यह बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई कि आखिर मूवी किस तरीके की हो सकती है एक तो उन्नीस सौ में, में आई अजय देगन और सुनील शेट्टी की फिल्म हो सकती है हो सकती है कि उन्नीस सौ चौरानवे अजय देगन और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म को वो फिर से रीमेक कर रहे हों और मूवी के अंदर शाहरुख खान और वरुण धवन को लेकर फिल्म बना रहे हैं एक यह भी अफवाहें उड़ी दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिले कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ एक्स पर अच्छा खासा काम किया जाता है और ख़ास कर गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी के अंदर देखा था डेडी एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ तो रोहित सेट्टी ने भी दिल वाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाज़त करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेक लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा निरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं बामा निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फरहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हिट हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटरगू और मोहित रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नज़र आते हैं रंग दे तुम मोहे गैरुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फ़िल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डेडी एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित शेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित शेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों 90s की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मैं लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी जिंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर में खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी तक का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेधु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यार दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकर लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोशुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामबा निरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं बामा निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के, के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग मोहित रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें सिनेमाघरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तो मोहे गेर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी पर अच्छा खासा काम किया जाता है और ख़ास कर गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाज़त करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यहाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकर लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलन के तौर पर ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा निरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं बामा निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फरहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूजिक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के, के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटुरगु मोह रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तु मोहे गेरुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें यह अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ एक्स पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहां दोस्तों रोहित सेट्टी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डेडी एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित शेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित शेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपरहिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों 90s की तरह फिल्मों के अंदर बीज बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी जिंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वही मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नजर आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नजर आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर सेदू का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यार दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेक लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधीर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा निरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं बामा निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सहजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटरगु, और मोहित रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तो मोहे गेर दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनके ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहां दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डीडीएलजे के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने भी दिल वाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की परफोवीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर में वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यहाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेके लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधीर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं या दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमा ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा ईरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं मोहम्मद निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से अपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फरहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूजिक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही सुपरहिट हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटुरगु मोह रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तो मोहे गेर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ एक्स पर अच्छा खासा काम किया जाता है और ख़ास कर गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहां दोस्तों रोहित सेट्टी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ तो तो रोहित शेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित शेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की परफोवीर की हिफाज़त करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी जिंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जार बिखेरते हुए कीर्ति सेननन इसी का करदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नजर आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नजर आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदू का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यार दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकर लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज की पिताजी के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बोमन ईरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं महमान ईरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से अपने इस किरदार में जान डालते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नज़र आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूजिक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हिट हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग तो रंग दे, काफ़ी शानदार गाने हमें सिनेमाघरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तुम मोहे गेर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सके और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सके शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने इज़ खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा लेकिन मायने इज़ खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने भी दिल वाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों 90s की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी तक का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यहाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकिन लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधीर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बॉमा नीरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा नीरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं महम्मद निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूजिक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटुरगुमोह रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नज़र आते हैं रंग दे तो मोहे गेर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें यह अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ एक्स पर अच्छा खासा काम किया जाता है और ख़ास कर गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी के अंदर देखा था डेडी एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मैं लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की परफोवीर की हिफाज़त करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जार बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नजर आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर सेदू का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेक लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बोमन ईरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं मोहम्मद ईरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नज़र आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के, के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हिट हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग तो रंग दे, काफ़ी शानदार गाने हमें सिनेमाघरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तुम मोहे गैर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सके और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सके शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों 90s की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी जिंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी तक का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर सीधु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यार दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकर लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलन के तौर पर बॉमा नीरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा निरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं महम्मद हिरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नज़र आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फरहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही सुपर हिट हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटुरगु मोहित रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें सिनेमाघरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नज़र आते हैं रंग दे तुमे गेरुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेसन्स को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनके ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहां दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी के अंदर देखा था डे डी के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाज़त करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी ताका करदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदू का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यार दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेक लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रंधेर बख्शी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज में कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बोमन ईरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं मोहम्मद ईरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मार धाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बॉमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से अपने इस किरदार में जान डालते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नज़र आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटरगू और तो रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें सिनेमाघरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तु मोहे गैर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ एक्स पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डेडी एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों तो रोहित शेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित शेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों 90s की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाज़त करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी जिंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे छोड़ देता है वही मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी तक का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नजर आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेधु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यार दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेक लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधीर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बोमन ईरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं महम्मद ईरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मार धाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से अपने इस किरदार में जान डालते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूजिक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटुरगुमोह तो रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नज़र आते हैं रंग दे तो मोहे गेर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहां दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों तो रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की परफोवीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन ऐसी तक का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदू का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है जी हाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकर लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधीर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमा नीरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बामा निरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं महम्मद निरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग तो रंग दे काफ़ी शानदार गाने हमें सिनेमाघरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नजर आते हैं रंग दे तु मोहे हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें यह अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है देखा जाए तो फ़िल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ एक्स पर अच्छा खासा काम किया जाता है और ख़ास कर गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डेडी एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मै लेड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी जिंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे ही छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जार बिखेरते हुए कीर्ति सेननन इसी का करदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नजर आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेनन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नजर आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदू का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यहाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकर लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधेर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं तो मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं यहां दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदाकारी की है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बोमन ईरानी मूवी के अंदर दिखाई देते हैं महम्मन ईरानी ने मूवी के अंदर किंग का रोल प्ले किया है एक ऐसा शख्स जो कि कॉमेडी के टाइम पर कॉमेडी करता है और मारधाड़ के टाइम पर मारधाड़ दिखने में का बहुत ही शरीफ और कॉमेडी टाइप का बंदा लगता है असलियत में बहुत ही ज़्यादा खूंखार बंदा है ये किंग मूवी के अंदर इसके किरदार में एक नयापन देखने के लिए मिलता है साथ ही बोमन ईरानी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन अदाकारी से आपने इस किरदार में जान डालते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नज़र आते हैं मूवी को डायरेक्ट किया गया है रोहित सेट्टी के द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले योनिस सैजवाल ने किया है वहीं मूवी के डायलॉग फ़रहाद साजिद के द्वारा लिखे गए हैं मूवी के अंदर म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन रखा गया है म्यूज़िक मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही शुपर हो गया है जिसमें जाना पहचाना सॉन्ग गुटरगू रंग दे, काफ़ी शानदार गाने हमें घरों के अंदर झूम दर्शकों को झुमाते हुए नज़र आते हैं रंग दे तो मोहे गेर हुआ दर्शकों द्वारा अच्छा खासा पसंद किया गया और मूवी के रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट साबित हुआ दूसरी तरफ हमें ये अफवाहें भी सुनने के मिली कि वो जाने पहचाने मूवी पुरानी फिल्मों को लेकर एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जो कि चलती का नाम गाढ़ी और काफ़ी फिल्मों का कॉम्बिनेसन हो सकता है देखा जाए तो फिल्मों के अंदर उन सारी फिल्मों का कॉम्बिनेसन देखने में भी लगता है लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अपने ही तरीके से अपने ही लहजे में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के फिल्में फिल्मों का जो भी प्रिंट होता है काफ़ी कुछ कहता है मूवी फ्रेश फ्रेश लगती हैं मूवी की क्लियरिटी पर अच्छा खासा काम किया जाता है मूवी के वी एफ पर अच्छा खासा काम किया जाता है और खासकर गाड़ियां गाड़ियाँ उड़ाने की बात हो तो ये बात तो कंपलसरी हो ही जाती है यहाँ दोस्तों रोहित सेटी ने जब शाहरुख खान का दामन थामा है तो शाहरुख खान को जहन में रख कर उसने फिल्म को उसी लेवल की बनाया है जिसके अंदर शाहरुख खान अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत सकें शाहरुख खान को मूवी के अंदर अच्छी खासी तरीके से किरदार के अंदर पेश किया गया है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का किरदार हर तरीके का रखा गया है जहाँ वो एक तरफ एक लड़की से प्यार करता है जिसके लिए वो शरीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है उसके प्यार का में वो धोखा भी खाता है जिसके बाद उसे सबसे बड़ा सबक भी देखने के लिए मिलता है जी हाँ दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी कुछ कहती है साथ ही मूवी के अंदर एक और ख़ास बात यह देखने के लिए मिलती है कि मूवी के अंदर हमें लगभग काफ़ी अरसों बाद फिर से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिर से सिनेमा घरों के अंदर देखने के लिए मिलती है इन दोनों की जोड़ी को हमने डी डी एल जे के अंदर देखा था डे एलजे के अंदर दोनों की जोड़ी ने ताबड़ तोड़ कमाई की थी उसके बाद हमें मायने मिज खान के अंदर भी दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों के अंदर अपनी जोड़ी की छाप छोड़ते हुए नजर आए हालांकि मूवी को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा झेलना पड़ा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा लेकिन मायने मिज खान आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित रही है जी हाँ दोस्तों दो रोहित सेट्टी ने भी दिलवाले मूवी के साथ यही काम किया है रोहित सेट्टी ने फिल्म के अंदर सारा कुछ मसाले डाले हैं ताकि वो दर्शकों को, को खुश कर सकें और दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से उन्हें वो इंटरटेनमेंट दे सकें जिसके नाम से रोहित सेट्टी को जाना जाता है मूवी के अंदर तमाम स्टार कास्ट ली गई हैं मूवी को एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाना था तो मूवी के अंदर उन तमाम हस्तियों उन तमाम चेहरों को उठा लिया गया है जो कि कॉमेडी के नाम का मामले में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और एक टाइम पर सुपर हिट फिल्मों के अंदर दिखाई देते थे जी हाँ दोस्तों नाइन्टीज़ की तरह फिल्मों के अंदर बीच बीच में कॉमेडी के किरदार देखने के लिए मिलते थे उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हमें तमाम ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं मूवी के अंदर हमें मैं लीड रोल के अंदर शाहरुख खान राज का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों और इसके राज के छोटे भाई के किरदार में वरुण धवन देखने के लिए मिल जाते हैं वरुण धवन ने मूवी के अंदर शाहरुख खान के छोटे भाई का अभिनय किया है मूवी के अंदर वरुण धवन का नाम वीर देखने के लिए मिलता है राज अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वरुण के वीर की वीर की हिफाजत करने के लिए ही उसने ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी को अपनाया है आखिरकार पुरानी ज़िंदगी के राज क्या हैं यह सब हमें मूवी के अंदर धीरे धीरे जैसे मूवी आगे बढ़ती है टाइम आने पर सारी चीज़ें डिटेल में खोल कर बता दी जाती हैं उसके बाद आप शाहरुख खान के गहराई को शाहरुख खान यानी कि राज के इस एटीट्यूड रुतबे को आप और भी सीरियस होकर देखते हैं मूवी के अंदर हमें काजोल भी देखने के लिए मिल जाती हैं काजोल ने मूवी के अंदर मीरा का किरदार निभाया है मीरा जो कि अपने बाप के और साम्राज्य को संभालने के लिए काली को प्यार के जाल में फंसाती है और उसे धोखा भी देती है लेकिन राज उसे सच्चे दिल से प्यार कर बैठा है प्यार के चक्कर में ही वो मीरा को मारता नहीं है उसे छोड़ देता है वहीं मूवी के अंदर हमें खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए कीर्ति सेनन इसी तक का किरदार निभाते हुए फिल्म के अंदर नज़र आती है देखा जाए तो मूवी के अंदर जोड़ी बनाने का काम रोहित शेट्टी ने ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक तरफ अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए नज़र आती है दूसरी तरफ वरुण धवन और कीर्ति सेन की जोड़ी भी नए जनरेशन नए यूथ को खुश करते हुए फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं एक और जोड़ी की बात की जाए तो मूवी के अंदर हमें वरुण शर्मा और चेतना पांडे की जोड़ी भी फिल्म के अंदर अहम किरदार करते हुए नज़र आ जाती है वरुण शर्मा ने मूवी के अंदर शेदु का किरदार निभाया है दूसरी तरफ चेतना पांडे ने भी मूवी के अंदर जैनी का किरदार निभाया है कॉमेडी के मामले में हमें जाने पहचाने चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दिलों में राज करने वाली जॉनी लेवर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं जॉनी लेवर ने मूवी के अंदर मनी भाई का किरदार निभाया है वहीं संजय मिश्रा संजय मिश्रा भी हमें बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कॉमेडी का रोल प्ले करते हुए ऑस्कर भाई के किरदार में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वहीं पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी ने मूवी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपनी भूमिका में छाप भी छोड़ी है यहाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी ने दोनों ने मिलकर मूवी के अंदर अपना परिचय दिया है शाहरुख खान यानी कि राज यानी कि काली के अपने दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रोल प्ले करते हुए दोनों पंकज त्रिपाठी और मुकेश तिवारी देखने के लिए मिल जाते हैं मूवी के अंदर कबीर बेदी देव मलिक का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने मूवी के अंदर काजोल के फादर का रोल प्ले किया है इसके अलावा विनोद खन्ना लेकिन लंबे अरसे के बाद फिर से हमें बेहतरीन अदाकारी करते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई देते हैं विनोद खन्ना मूवी के अंदर शाहरुख खान यानी कि राज के पिताजी का किरदार करते हुए और वीर के पिताजी का किरदार करते हुए फिल्म के अंदर नजर आ जाते हैं मूवी के अंदर विनोद खन्ना ने रणधीर बक्सी का रोल प्ले किया है इसके अलावा मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है तो मूवी के अंदर और तमाम चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर नवाब साहब राघव शंकर का किरदार करते हुए प्रदीप काबरा जोसुआ का किरदार करते हुए विनीत शर्मा काली के आदमी का किरदार करते हुए जहांगीर खान पैट्रिक का किरदार करते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं वहीं मूवी के अंदर विलेन की बात की जाए तो मूवी के अंदर विलेन के लिए भले ही उसका रोल किरदार खतरनाक दिया गया हो लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर विलेन भी कॉमेडी के अंदाज़ में कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं यहाँ दोस्तों मूवी के अंदर हमें विलेन के तौर पर बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त अदा